नेबुलाइजर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बाद अब हम समझते हैं लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन को हम लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भी कहते हैं, जिसे ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम से आप जानते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। जब आप उसका रेगुलेटर खोलते हैं तो वो गैस का रूप ले लेता है। जिस तरह आपके घरों में खाना बनाने वाला सिलेंडर होता है, जब वो पाइप से गुजर रहा होता है तो देखते होंगे वो लिक्विड फॉर्म में जाता है, इसलिए उसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG कहते हैं। वैसी तरह इसे LMO कहते हैं, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। इसे काफ़ी ठंडा टेम्परेचर पर रखना होता है, इसलिए इसे क्रायोनिक ऑक्सीजन टैंकर कहते हैं। ये बहुत ही कम टेम्परेचर पर बनाया जाता है। जहाँ पे इस टेक्नोलॉजी से ऑक्सीजन बनती है वो काफ़ी बड़ी टेक्नोलॉजी होती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि उसके टेम्परेचर को -185 डिग्री रखना होता है। लेकिन ऐसे रखने से हमें क्या होता है कि सेम बर्तन में हम 80 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन रख सकते हैं। अगर किसी बोतल में हम ऑक्सीजन को अगर गैस के रूप में रखते हैं और उसी बोतल में अगर हम लिक्विड के रूप में रखते हैं तो 80 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, इससे भी ज़्यादा स्टोर हो सकता है। तो ऐसे जगहों पर ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है, वहाँ से इस क्रायोनिक टैंकर से इसे ले जाया जाता है और हॉस्पिटल का अपना अपना एक टैंकर होता है, उस टैंक में भर दिया जाता है और उस टैंक से सप्लाई यही रहती है, जहाँ से अलग अलग ये जो ऑक्सीजन के कंटेनर होते हैं इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर में इसे भरा जाता है और इसे ज़रूरत के हिसाब से दूसरे जगहों पर भेज दिया जाता है। अलग अलग टैंक की अलग अलग कैपेसिटी होती है। अब आप कहेंगे कि सर जो मरीज सीरियस है उसकी क्षमता जो होती है वो 1 मिनट में 50 लीटर सांस ले लेता है, तो ये कितने क्षमता के होते होंगे? तो अलग अलग इसकी कैपेसिटी होती है, साइज के हिसाब से कैपेसिटी होती है। ये लगभग 4000 लीटर की क्षमता का भी आता है पर मिनट। अगर आपको 50 लीटर की ज़रूरत है तो इसके पास जो क्षमता होती है बड़े साइज वाले के 4000 से 5000 लीटर की क्षमता होती है। तो अलग अलग क्षमता पे इसे अलग अलग जगहों पर ले जाया जाता है। इस लिक्विड ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन सिलेंडर की खासियत क्या होती है? इसमें 99% शुद्ध ऑक्सीजन पाया जाता है और ये बहुत ही प्रेशर के साथ भेजता है। प्रेशर के साथ भेजने की वजह से इसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा रहता है, 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन ये पर मिनट दे सकता है, जिस वजह से इसका प्रयोग हम सीरियस मरीजों के लिए करते हैं जो ICU में भर्ती होते हैं। लेकिन इनकी समस्या यही है कि इनसे आप 24 घंटे सप्लाई नहीं ले सकते हैं। जैसे इनका टैंकर खाली होता है तो ये सप्लाई देना बंद कर देते हैं, इन्हें रिफिलिंग करना पड़ता है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि इनको किसी भी तरह के पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इन्हें इलेक्ट्रिक सप्लाई या बैटरी सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी ज़्यादातर प्रयोग हॉस्पिटलों में इसी का प्रयोग हो रहा है, यही ट्रेडिशनली प्रयोग होता ही आया है, एम्बुलेंस वगैरह के अंदर भी यही रखा रहता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को प्रेशर के साथ इस ऑक्सीजन मास्क के साथ यहाँ छोड़ देता है और मरीज को खुद से सांस लेना पड़ता है। इसमें मरीज खुद सांस लेता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज सांस नहीं ले पाता, उसके फेफड़े इतने डैमेज हो जाते हैं, इतना काम नहीं कर पाते। कभी जैसे कोरोना के मरीज हो गए या फिर हाई एक्सीडेंट हो गया या कोई बड़ा ऑपरेशन हो गया जिसमें ब्रेन को मतलब एनेस्थीसिया देना पड़ता है, तो फेफड़े जब काम नहीं कर पाते हैं, खास करके अभी के वक्त में तो कोरोना चल रहा है, तो जब फेफड़े काम नहीं करते हैं तो उस स्थिति में हमें बाहर से ऑक्सीजन को ढकेलना पड़ता है। यहाँ क्या था कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ से ऑक्सीजन छोड़ता था और बस ये ऑक्सीजन के पाइप से यहाँ के यहाँ ऑक्सीजन मुंह के पास निकल जाता था, इंसान अपने से सांस ले लेता था। लेकिन जब फेफड़े डैमेज हो जाते हैं तब उस कंडीशन में काम आता है हम लोग का वेंटिलेटर, इसे मैकेनिकल वेंटिलेटर कहते हैं। ये मशीन होती है, ये पल्स रेट और आपका ऑक्सीजन लेवल वगैरह ये सब चीज़ों को यहाँ दर्शाते रहती है। इसमें प्रेशर होता है, इसमें दो वाल्व नली होती है इसके अंदर में, एक क्या ये क्या करता है प्रेशर से ऑक्सीजन को फेंकता है और फिर उसको वापस लेके आता है, मतलब फेफड़ों तक ये ऑक्सीजन, ये मुँह तक ऑक्सीजन नहीं छोड़ता है, ये फेफड़े तक पहुँचा देता है। तो इसके भूल में मत रहिएगा कि ये यहाँ मुँह तक होता है, इसे फेफड़े तक ढकेल के इस मशीन को अंदर ले जाना होता है वेंटिलेटर को। ये लास्ट पोजीशन होती है मरीज की जान बचाने की, डॉक्टर की। अब इसको पहनाना, ये वेंटिलेटर होता है, इसे लगाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि मरीज को तभी लगाया जाता है जो निश्चित अवस्था में होता है, उसके मुंह को खोलना होता है। तो ये लोहे की रॉड देख रहे हैं, स्टेनलेस स्टील की ये रॉड होती है, इसके बीच में एक छेद होता है इस रॉड के अंदर। तो इसी में क्या करता है डॉक्टर, पहले इस रॉड से इस मरीज के मुंह में ऐसे डाल देता है। आप इस रॉड को देखेंगे तो ये यू शेप में होता है, ऐसे इसमें रॉड डालता है और उसके जबड़ा को उठाता है। जब इस जबड़ा को उठा देता है तो उसको ये नली दिखाई देती है। तो इस रॉड के पीछे एक छेद होता है, उसी छेद से ये ऑक्सीजन के पाइप को अंदर डालता है। आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये रॉड जो है यहाँ से इस छेद के अंदर से इसको लेके गया गया है यहाँ पर और इसको फेफड़े तक पहुँचाया गया है। दोनों फेफड़े के बीच में इसे ड्रॉप किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर क्लियर इमेज देखेंगे तो ये हैंडल है जिससे इसको उठाया गया है यहाँ पर, और इसके पीछे खाली जगह होता है, उसी से इस पाइप को ले आके अंदर, यहाँ देखिए इस पाइप को यहाँ छोड़ दिया गया, फिर बाद में इस लोहे वाले को बाहर निकाल
निकाल लिया जाता है, वो केवल मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए था जबड़ा उठाने के लिए, वरना ये गला सट जाता है। कभी कभी ये मिलता नहीं है तो डॉक्टर को इसे यहाँ से उठाना भी पड़ता है, काफ़ी मुश्किल काम होता है। उसके बाद एक और चैलेंजिंग काम क्या होता है कि जो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन का ये पाइप ले गए हैं, इस पाइप के मुँह को हम लोग कफ कहते हैं, ये बीचों बीच रहना चाहिए। ये ट्रैकिया होता है, इसको बायोलॉजी के क्लास में आपको रेस्पिरेशन तक तो पढ़ाई दिए थे। ये ट्रैकिया है, यहाँ से दो बार हो जाते हैं ब्रोंकाई, और फिर आगे जाके ब्रोंकियोलेस होता है, फिर एल्वियली होता है। तो इस कफ को ना यहाँ पर ले आके रखना होता है ताकि ऑक्सीजन दोनों फेफड़े में बराबर जाए। और अगर ज़्यादा नीचे ला देंगे, जैसे यहाँ देखिए ये कफ को यहीं पर रखा हुआ है यहाँ पर, और यहीं से ऑक्सीजन को छोड़ देना है ताकि दोनों फेफड़े में ऑक्सीजन बराबर जाए। और अगर एक साइड में हो जाएगा तो एक ही फेफड़े में ऑक्सीजन जाएगा। और इतना लगाने जब ये लगा दिया जाता है, तब उसके बाद से इस मशीन से प्रेशर दिया जाता है फेफड़े में, और वो मशीन जब फेफड़े में प्रेशर देती है तो हवा अंदर जाता है लंग्स में, फिर यही मशीन उसको निगेटिव प्रेशर करके वापस खींचती है, एक बार ढकेलती है, एक बार खींचती है। ये लास्ट होप होता है मरीज को बचाने के लिए।